बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। मुझे आज इस प्रोजेक्ट को, इसकी स्टोन लेइंग करने में बहुत खुशी हो रही है, और मुझे आज ये बड़ा एक जुमा भी है, एक बड़ा खुशाइन दिन है, क्योंकि आज हमने अभी सुबह एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कतर के साथ, जिसमें जो हमारा पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसमें और इसमें अब हर साल हमें $300 मिलियन का की बचत होगी, और इंशाल्लाह जो 10 साल अगले 10 साल में $3 अरब की पाकिस्तान को बचत होगी। तो मुझे इसकी बड़ी खुशी है, और इस एक साल से हम लगे हुए थे इसके ऊपर नेगोशिएट करने के लिए। और ये जो अब ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए मैं ज़रा पहले जो आप सबसे जो मैं अपने ख्याल आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि देखें, जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कि वो सोच लेके आए जो कि वही पुरानी घिसी पिटी सोच है, हट के वो कुछ। अब हमारा मसला क्या है, जरा मैं अपनी, या मेरी वजीर भी सारे बैठे हुए हैं, मेरी हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बैठे हुए हैं, मैं जरा आपको समझाना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है। हमारे पास दो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, और वो लोग कहते हैं जी पुरानी बातें ना करो, लेकिन ये हमारे जो 10 साल जो डेकेड ऑफ डार्कनेस जिसे हम कहते हैं, 10 अंधेरे साल, उनमें जो कर्जे चढ़े हुए हैं और जिस तरह की इकोनॉमी की मिसमैनेजमेंट हुई, उसे हुआ क्या है? दो चीजें, एक हमारा बहुत बड़ा फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट का की वजह से कर्जे, और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब ये कि हमारे पास जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के अंदर इतना बड़ा खसारा हो गया था तो उसके लिए बाहर से कर्जे भी लेने पड़े, फॉरेन लोन्स, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो भी गिर गए। उनके गिरने से हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ा, और रुपए ने गिरना था, यानी या जब डॉलर की कमी होगी तो डॉलर की कीमत ऊपर चली जाएगी, रुपया नीचे आ जाएगा, तो जब रुपया नीचे आया तो महंगाई हो गई। तो ये हमें विरासत में मिले थे। अब इन दो मसलों से हमने निकलना कैसे है? सबसे पहले अपनी आमदनी बढ़ानी है, खर्चे कम कर रहे हैं, हमने किए हैं, लेकिन जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी हम ना अपने खर्चे मीट कर सकते हैं, और जो कर्जों की किस्तें देनी है ना हम वो कर्जों की किस्तें दे सकते हैं, क्योंकि हर साल कर्जों की किस्तें बढ़ती जा रही हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर वेल्थ क्रिएशन जनरेट करना है कि अपनी दौलत बढ़ाएं ताकि हमारे पास कर्जे वापस करने के लिए कुव्वत हो। तो इस प्रोजेक्ट को उस नजर से आपने देखना है। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पाकिस्तान में वेल्थ जनरेट करेगा, और वो अभी इमरान अमीन ने आपके सामने फिगर्स दी, जल्दी जल्दी बता दिया उसने आपको, मेरे ख्याल में आपको समझ नहीं आई कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना पैसा जनरेट करेगा पंजाब गवर्नमेंट के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट के लिए, रेलवेज के लिए, और CAA के लिए। जो पहला फेज है, पहले फेज के अंदर 1300 अरब रुपया, 1300 अरब रुपया जनरेट होगा पहले फेज में, जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस पे रेवेन्यू मिलेगा वो 250 अरब है, और इसका जो दूसरा इंपैक्ट पड़ेगा वो भी नहीं, आप पे रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये इसको डी नोटिफाई किया जाएगा एज एन एयरपोर्ट, वॉल्टन एयरपोर्ट डी नोटिफाई हो जाएगा, उससे ये होगा।
कि ये जो गुलबर्ग, मेन बुलावर्ड, फिरोजपुर रोड, इधर इस वक्त रिस्ट्रिक्शन थी, बिल्डिंग्स को ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि इस एयरपोर्ट की वजह से वो फ्लाई जोन में आ जाता था। तो जब ये एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा तो ये सारे इलाकों में, और ये सेंटर्स है हमारे, ये कमर्शियल सेंटर्स है, मेन बुलावर्ड, फिरोजपुर रोड, सारा गुलबर्ग, ये इकोनॉमिक हब बन सकता है क्योंकि ये फिर ऊपर जा सकेंगे। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो जो हमारा अब जो लाहौर है ये जो फैलता जा रहा है, इसको रोकने के लिए तो वर्टिकल ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर, जब मैं बड़ा हो रहा था तो लाहौर तकरीबन जमान पाक पे ख़त्म हो जाता, उसके जमान पाक की ये सारा गुलबर्ग वगैरह, ये हम इनको देहात समझते थे, खेत कूद थे यहाँ सारे। तो ये इतनी तेज़ी से फैला है कि इसके बहुत वो मनफी असरात आगे सामने आ रहे हैं। सबसे पहले पानी का बहुत बड़ा पानी का मसला हो गया, वो वाटर टेबल नीचे जा रही है और भी तेज़ी से नीचे जा रही है। दूसरा, जो सारा लाहौर का सीवरेज है वो जा रहा है रावी के अंदर। जब रावी का सीवरेज का मतलब कि वो सारा नीचे सिंध तक, इस सारे शहर का सारा सीवरेज नीचे जा रहा है, जो कि पानी को भी ख़राब करता है। कई लोग तो दरिया का पानी पीते हैं नीचे। और दूसरा, वाटर टेबल भी वो भी कंटेमिनेट हो रही है। और जो रावी है वो जब सर्दियां आती हैं तो वो जब सुखड़ता है तो वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन जाता है। तो वो एक इशू। और जितना आपका शहर फैलता जाता है उसको आप फैसिलिटीज ही नहीं दे सकते, ना आप उनको सीवरेज सिस्टम दे सकते हैं, ना पानी दे सकते हैं, और जो भी आप अम्यूनिटीज़ देते हैं उनका खर्चा बढ़ता जाता है। इसलिए दुनिया में मॉडर्न सिटीज ऊपर जाती हैं। और फिर ये जब वॉल्टन एयरपोर्ट डीनोटिफाई होगा तो ये सारे इलाकों को जब इजाज़त दी कमर्शियल से ऊपर जाने का, तो जो इन्होंने एस्टिमेट किया है, और इमरान मैं ये चाहूँगा कि आप ये मीडिया को ब्रेक डाउन दें, ये एस्टिमेट करते हैं कि इसका कमर्शियल वैल्यू जो हमारी वेल्थ जनरेट होगी वो 6,000 अरब रुपए हो गए, 6,000 अरब रुपया। क्योंकि मुझे लगता है ये सामने, मेरे ख्याल में आप लेट नाइट सबने की हुई है क्योंकि सोए हुए हो आप सब, कोई तालियों की आवाज नहीं आई कि 6,000 अरब रुपया जनरेट होगा यहां। अलीम खान, आपको तो खैर खास पता चलना चाहिए ना इन चीजों का, क्योंकि आप तो हैं इस बिजनेस में। देखें, ये इसका जो आप कॉस्ट, एक ये जो हम वॉल्टन का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, दूसरा जो रावी सिटी है, ये जो दो प्रोजेक्ट्स हैं, ये पंजाब को, ये पाकिस्तान को, ये सारे पाकिस्तान में वेल्थ क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और वैसे भी ये जो एयरपोर्ट कभी शहर के बीच में नहीं होता, ये बड़ा 3-4 क्रैश हुए हैं पिछले चंद सालों के अंदर, जब एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लब शहर के अंदर नहीं होता, इनके लिए हमने एक और जगह दे दी है और उसकी भी, उस पर इंशाल्लाह भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी ताकि ये अल्टरनेट शहर से बाहर चला जाए और इसको फिर हम पूरी तरह एक कमर्शियल सेंटर बनाएं। एक और मैंने देख रहा था कि हमारे कई लोग कह रहे जी कि यहाँ दरख्त कट जाएंगे और पता नहीं यहाँ लाहौर के अंदर हम और कॉन्क्रीट या पता नहीं क्या लगा देंगे, क्योंकि मैं वो उधर रावी प्रोजेक्ट में भी यही लोग कहते गए कि जी यहाँ भी एनवायरनमेंट के लिए नहीं अच्छा होगा। और ये भी, पहले तो मैं सबको ये क्लियर करना चाहता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है वो मैं अपने आप को समझता हूँ। किसी ने आज तक पाकिस्तान की तारीख में सोचा नहीं था दरख्त लगाने का, किसी ने नहीं सोचा, बल्कि सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े जंगल खत्म हो गए। हम बचपन में ये छांगा मांगा, चीचावती, दीपालपुर, ये कुंदिया के जंगल में, सारे बचपन में इन जंगलों में हमने, वह रेस्ट हाउसेज होते थे, गया हुआ हूँ, बड़े बड़े जंगल थे।
सब खत्म हो गए, जंगलों की जमीनों के ऊपर कब्जे हो गए। तो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में किसी ने सोचा था दरख्त लगाने का, वो हमने खैबर पख्तूनख्वा में जो 1 अरब दरख्त लगाए थे जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज रहे। तो ये सबसे पहले मुतमईन हो जाओ कि कोई दरख्त नहीं कट रहा यहां, कोई दरख्त नहीं कट रहा। और अगर कोई भी दरख्त हमें हटाना पड़ा तो हमारे पास अब इक्विपमेंट है, उसको रिलोकेट कर देंगे। लेकिन जो उसके बदले हैं, जो अभी उन्होंने आपको बताया अर्बन फॉरेस्ट्री, जो कि हम पूरे यहाँ दरख्त उगा रहे हैं और जो सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, जो अब नई नई दरख्त उगाने की अर्बन फॉरेस्ट्री की टेक्नोलॉजीज है, वो सारी यहाँ यूज होंगी। जो ये बिल्डिंग्स भी बनेंगी, ये सब जो लेटेस्ट आज जो इमरान अमीन ने जल्दी जल्दी में अपनी प्रेजेंटेशन में कहा, जो अब दुनिया के अंदर जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी, इन सब में सस्टेनेबल जो उनकी एनर्जी कंजर्वेशन, ये सब नई चीज़ें जो आ गई हैं, इंशाल्लाह वो इधर भी करेंगे और रावी सिटी में भी करेंगे, जो दोनों हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और इसका फिर एक और बहुत बड़ा जो फ़ायदा, जो हमारा दूसरा मसला है करंट अकाउंट का, कि जैसे ही हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है, हमारे पास फॉरेन रिजर्व जो हमारे हैं उन वो कम होने शुरू हो जाते हैं, रुपए पे प्रेशर पड़ जाता है, क्योंकि इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं, और जब इम्पोर्ट्स बढ़ती हैं तो फिर करंट अकाउंट यानी हमारे जो डॉलर्स मुल्क में जो आ रहे होते हैं वो कम होते हैं और मुल्क से बाहर ज़्यादा डॉलर्स जा रहे होते हैं। हमने अभी तक पिछले 5-6 महीने में बड़ी देर के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में रहा है, सिवाय पिछले महीने 6 महीने हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में रहा है। तो जब हमें सबसे बड़ा डेफिसिट मिला था जब हमारी गवर्नमेंट आई थी $20 अरब के, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि हमारा जो सबसे बड़ा असासा है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, और ओवरसीज पाकिस्तानी अब जो जब भी कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनती हैं, अलीम खान को पता होगा इसका, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज पाकिस्तानी करते हैं, क्योंकि वो बदकिस्मती से हमने अभी तक वो सिस्टम नहीं बनाया कि वो हमारे लिए इंडस्ट्री में और चीज़ों में इन्वेस्ट करें, वो करते हैं प्रॉपर्टी में सिर्फ। तो ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ये रावी सिटी का, और ये जो वॉल्टन का हमारा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ओवरसीज पाकिस्तानी का है, और इसका मतलब कि बाहर से हमारे पास पैसा आएगा, और जैसे जैसे हमारा मुल्क अब ऊपर जा रहा है, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं, हमारी इस वक्त नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, तो जो मशीन इंपोर्ट करते हैं उससे प्रेशर पड़ रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। इसलिए भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से डॉलर्स आएंगे और हमारा फिर जो हमारे रुपए पे प्रेशर इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। मैं जो उस्मान बुज़दार ने अभी बातें की उसमें सिर्फ एक और चीज़ टच करना चाहता हूँ, जो हम एक नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट है हमारा घरों का, अफोर्डेबल हाउसिंग का, पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में कोशिश की जा रही है कि तनख्वाहदार तबका, मजदूर तबका, जिनके पास पैसे नहीं है, कैश नहीं है घर बनाने का, वो उनके लिए आज तक उनकी वो बस ख्वाब ही देखते रहते थे कि हमारे पास भी घर हो। तो ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, इसमें हमने बैंक्स को इन्वॉल्व किया है, इसमें हमने बड़ी मुश्किलों से जो एक कानून था फोरक्लोजर लॉ, वो पता नहीं कितनी देर से फंसा हुआ था वो कानून, आज पाकिस्तान में फोरक्लोजर लॉ का कानून आया, इसलिए बैंक्स भी अब इसमें आ चुके हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप बैंक्स को इनक्रेज करें, क्योंकि उनको अब तक आदत नहीं थी कि छोटे लोगों को कर्ज़े देने की, बैंकों को कोई आदत नहीं थी। हमारी एक अकूवत जो NGO है वो तो देते कर्जे बेचारे लोगों को, और हमने उनको भी फंड किया हुआ 5 अरब कि वो भी जो लोग बिल्कुल ही निचला तबका है उनकी मदद करते हैं कर्जे देने में, माइक्रो फाइनेंस में। लेकिन जो बैंक्स हैं ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग के अंदर आए हैं, और इसमें गवर्नमेंट ने भी इनके साथ मिलकर इनको इंसेंटिव्स भी दिए हैं,
और आगे भी मुसलसल इनसे मैं खुद मीटिंग्स करता हूँ। ये हम पहली दफ़ा जो इन्होंने अभी फ्लैट्स अनाउंस किए 50,000 मेरे ख्याल में फ्लैट्स अनाउंस इन्होंने जो किए हैं, ये सारा हमारा नया हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत इनको फाइनेंसिंग की जाएगी। और इस मकसद ये है कि वो लोग जो आज तक कभी भी जिनके पास कैश नहीं था घर खरीदने के लिए, उनके पास ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो ताकि वो जो किस्तें देते थे किराए, जो किराए पे हर महीना पैसा खर्च करते थे, उसी किराए के ऊपर वो किस्तें दे दें बैंक्स को और उनको अपना घर उनको मिल जाएगा। और इंशाल्लाह ये अब ये जो हमारा साल है, अब तक तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही तैयार हो रहा था इसके लिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए, और प्रॉब्लम मुश्किल कानून चेंज करने पड़े, रूल्स रेगुलेशंस चेंज करने पड़े, एफबीआर के साथ बैठ के टैक्सेस कम करने पड़े, ये सारा प्रोसेस काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन अब इंशाल्लाह हम तैयार हैं कि ये पूरा लॉन्च करें अपनी अपनी जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो कभी भी पाकिस्तान में पहले किसी ने नहीं किया। और आखिर में मैं ख़ास तौर पर आपको चीफ मिनिस्टर साहब, मैं आपको मुबारक देता हूँ, ये जो बड़ी रिकॉर्ड टाइम के ऊपर हमने ये सब कुछ तैयारी की है इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो बड़ी जल्दी लोगों को अब नज़र आएगा टेक ऑफ करते हुए, इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसमें बड़े लोग बड़े बड़े बिल्डर्स इंटरेस्टेड हैं इस वक्त, और जैसे ही जब आप देखेंगे लाहौर के लोगों को नज़र आएगा कि ये एक मॉडर्न सिटी की तरफ अब लाहौर जाएगा। हम जब मैंने तो शुरू से दुबई में जब जाता था तो छोटा सा दुबई शहर था और उसको इतना बड़ा देखा तो उसके पीछे पैसे से ज़्यादा एक विज़न थी। उन्होंने सोचा कि दुबई को कैसे एक मॉडर्न सिटी बनाएंगे, और हमारे सामने वो हर साल चेंज होता गया दुबई। चाइना के अंदर भी जो आप उनके बड़े बड़े शहर देखें तो वो हर दूसरे साल बदल जाते हैं, इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। हम बदकिस्मती से हमने प्लानिंग ही नहीं की कि हम कैसे अपने बड़े शहरों को मॉडर्न सिटीज़ बनाएं। हम भी फैलते जा रहे हैं, कराची भी फैलता जा रहा है, इस्लामाबाद फैलता जा रहा है, और ये सारे शहर वो बनते जा रहे हैं जो आखिर में इनको हम मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था कि ये एक रावी सिटी पहले उसको बनाया जाए, वो भी लाहौर को बचाएगी, और ये फिर एक लाहौर का बिजनेस हब बने, ये जो हमारा आज हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बहुत बहुत शुक्रिया।